मथुरा के छतीकरा कस्बे में GGPL गरुड़ गोविंद प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका फाइनल मैच फरीदाबाद की जूनियर और मथुरा की सिम्बोसिस 11 के बीच खेला जाएगा। फाइनल मैच से पहले एक मैत्री मैच का आयोजन मथुरा के अधिवक्ता और पत्रकारों के बीच हुआ। सौहार्दपूर्ण माहौल में खेले गए इस मैच का टॉस वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सिंह ने एडवोकेट 11 के कप्तान राघवेंद्र सिंह और जर्नलिस्ट 11 के कप्तान पवन गौतम के बीच उछाला। टॉस जीतकर एडवोकेट 11 ने बल्लेबाजी करते हुए 203 रन बनाए, जिसका पीछा करते हुए जर्नलिस्ट 11 20 ओवरों में 133 रन बना पाई। एडवोकेट 11 की शुरुआत खराब रही, जब जितेश ठाकुर ने पहले ओवर की दूसरी बॉल पर ही सलामी बल्लेबाज को आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद बल्लेबाज अमन हसन की 86 रन की पारी खेलने के कारण अधिवक्ता एकादेश ने 203 रन का लक्ष्य पत्रकारों को दिया, जिसका पीछा करते हुए पत्रकारों ने अंत तक मैच में रोमांच बनाए रखा। जर्नलिस्ट 11 की ओर से समाचार सिटी 24 के सार्थक सिंह ने 38 रन बनाकर टीम को मजबूती दी। रोमांचक मुकाबले में पत्रकार एकादश की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया और अधिवक्ता एकादश की टीम पत्रकार एकादश की टीम को निर्धारित 20 ओवर में ऑल आउट नहीं कर सकी। अच्छी बॉल उठा के मारने का प्रयास और ये बाल बाल बचे बल्लेबाज और ये इसी के साथ एम्पायर का इशारा 4 रन। मैच के बाद दोनों ही टीमों ने क्रिकेट ग्राउंड में ही सहबूस करके समाज को सौहार्द का संदेश दिया। देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि कहा जाता है पहला सुख निरोगी का है। स्वस्थ शरीर रखना है तो सबसे पहले आपको अपने आप को स्वस्थ रखना पड़ेगा। इसके लिए खेल भावना हो मैत्रीपूर्ण माहौल में आज मैच हुआ। अधिवक्ता भाइयों के साथ में पूरे मैच में पत्रकार साथियों ने शुरुआत में अच्छी शुरुआत की, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं डगमगाए और उसका कारण यही रहा कि जो उनके व्यस्तता है जिसके कारण वो खेल भावना पर ध्यान नहीं दे पाते, वही वजह रही कि वो अंत में आकर के एक संघर्षपूर्ण मैच था उसमें हारे। हालांकि पूरी तरह से 20 ओवर में होल्ड आउट नहीं हो पाई, ये भी एक उपलब्धि पत्रकारों के लिए थी, लेकिन अधिवक्ताओं ने एक अच्छा खेला। जो उनकी ओपनिंग टीम थी, हालांकि पहला विकेट हमने बहुत जल्दी लिया, लेकिन उनके जो ओपनर थे वो बहुत अच्छा खेले, बॉलरों ने भी अच्छी बॉलिंग करी। कुल मिलाकर कहें तो इस तरह के मैच के आयोजन होते रहने चाहिए, क्योंकि स्वस्थ अगर शरीर रहेगा तो आपका स्वस्थ मन रहेगा। बहुत सुखद, बहुत अच्छा लगा, बहुत खेल भावना के साथ आज का जो मैच था वो पूरा हुआ और दोनों ही वकीलों की तरफ से भी और पत्रकारों की तरफ से, दोनों की तरफ से बड़े बोल्ड होकर और बड़े अच्छे तरीके से खेला गया सौहार्दपूर्ण वातावरण में और बहुत अच्छी मेजबानी रही पत्रकारों की। जीत आपने हासिल कर ली। जीत और हार सिक्के के दो पहलू हैं। जीत आपने दी, हमने ले ली। क्या कहेंगे आगे के लिए? ये सतत जारी रहेगा, लगातार कंटिन्यूएशन में मैं चाहूँगा कि खेल होता रहे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है और जो आदमी लगातार खेलता रहता है वो स्वस्थ बना रहता है। मैच के मेजबान समाचार सिटी 24 के निदेशक प्रकाश सिंह और एडवोकेट मनमोहन शर्मा ने खेल भावनाओं को आगे बढ़ाने की अपील की। ये सबसे अच्छी खास बात यह है कि आज मेजबानी करने का मौका मिला हमें, हमारे वकील साथियों का, उनकी टीम का। क्रिकेट तो एक बहाना था, सही मायने में एक मैत्रीपूर्ण माहौल यहाँ पैदा करना था। जिस तरह से हम लोग, हमारे साथी जो जिस उम्र में हम आ गए हैं, 40 42 45 के बाद, 35 के बाद ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग पेट छोड़ना शुरू कर देते हैं, तो अगर पेट को कंट्रोल करना है, जीवन को स्वस्थ बनाना है, तो निश्चित तौर पे ज़रूरी है खेल को खेलना और खेल भावना के साथ खेला जाए। जिस तरह से आज वकीलों ने शुरुआत की, बहुत अच्छा मैच खेला, पहली ओपनिंग उनकी बहुत अच्छी रही, बहुत बहुत मतलब उम्दा पारी उन्होंने खेली। जब बात आई पत्रकारों की तो उन्होंने भी बहुत अच्छा प्ले किया। तो इसको साथ में खेलते खेलते एक चीज़ देखने को मिली कि दोनों ही तरफ से एक प्रेम और सौहार्द का माहौल वहाँ बना हुआ था। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद खेल को निरंतर बनाए रखना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये निरंतरता बनी रहेगी तो निश्चित तौर पे हम कुछ जीते ना जीते, लेकिन अपने शरीर को स्वस्थ बनाने को ज़रूर जीत सकते हैं और स्वस्थ जीवन ही सबसे बेहतर जीवन होता है। इसके बाद सारे ऐसो आराम होते हैं। नहीं, मुझे गुप्त हथियार ना कहें आप, क्योंकि कभी 15 वर्षों से मैंने कभी मतलब क्रिकेट को, बल्ले को और गेंद को छुआ नहीं। आज भैया के इनविटेशन पर हमने अपनी टीम बुलाई बाहर की और भैया ने बहुत अच्छी मेज़बानी की और मैच बहुत स्वादपूर्ण रहा। जब हमें लगा कि मैच हमारे हाथ में है तो फिर हमने सोचा है चलो हम भी प्रयास करें एक आध ओवर डालने की, लेकिन अगर मैच चांस में होता तो फिर हम रिस्क नहीं लेते। हम ऐसे कोई गुप्त हथियार नहीं है। जीवन में काम हर व्यक्ति के पास है,
लेकिन स्वस्थ रहने के लिए और मन को शांति देने के लिए खेलना, व्यवसाय मतलब व्यायाम करना, ये लाइफ के बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। और मेरे हिसाब से कार्यशैली के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी पार्ट हैं। अगर कार्य है तो उसके साथ साथ स्वस्थ रहना भी आपका जरूरी है, अगर स्वस्थ नहीं है तो कार्य नहीं है। GGPL के आयोजक ठाकुर हरेंद्र सिंह ठाकुर, मुरादी सिंह, अविश सिंह ठाकुर और हुकुम सिंह मालिक ने दोनों टीमों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए फाइनल मैच का न्योता भी दिया। इस मैत्री मैच से इतना तो साफ है कि ऐसे आयोजन न सिर्फ सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हैं बल्कि जीवन को स्वस्थ बनाए रखने में भी खासी भूमिका अदा करते हैं। कान्हा की नगरी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। जुड़िए समाचार सिटी 24 के साथ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पाएं सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट।